हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स तो स्टार्ट करते हैं 5.6 पॉइंट सिक्स एक्सरसाइज इफ़ एक्स एंड वाई कनेक्टेड पैरामीटरिक बाय द इक्वेशन गिवन वन टू टेन विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ठीक है ये करने से पहले इसकी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देख लें तो हमने विदाउट एलिमिनेटिंग पैरामीटर इनका डेरिवेटिव करके दिखाना है डी वाई बाई डी एक्स और एक्स आपके पास टी की फॉर्म में और वाई भी टी की फॉर्म में तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो एक्स है वो भी टी की फॉर्म में है वाई भी टी की फॉर्म में है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी टी के रिस्पेक्ट में टू करना डेरिवेटिव तो सबसे पहले dx एक्स बाय तो ये आ जाएगा 4at क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू तो टी कर रहे हैं और dy वाई बाई ये आ जाएगा आपके पास फोर ठीक है अब हमने फाइंड आउट क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा डी वाई बाई डी टी डी एक्स डी टी तो डी वाई बाई डी टी है फोर ए टी क्यूब और डी एक्स बाई डी टी है फोर ए टी फोर ए फोर ए कैंसिल ये कैंसिल तो वैल्यू हमारे पास आंसर क्या आ गया टी स्केयर तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है टी स्केयर ये हमारे पास ठीक है विदाउट एलिमिनेटिंग द पेरीमीटर डेरिवेटिव ठीक है एक्स और वाई दियो है दोनों का डेरिवेटिव करना है फिर डिवाइड कर देना अब सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास x इक्वल टू ए कॉस्ट ऑफ थीटा y इक्वल टू बी कॉस्ट ऑफ थीटा अब इनका पैरिमीटरिक फंक्शन कौन सा है थीटा तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे dx एक्स वाई डी थीटा तो कॉस का डेरिवेटिव हमारे पास क्या जाएगा नेगेटिव साइन थीटा और डी वाई बाई डी थीटा और कॉस का क्या जाएगा नेगेटिव बी साइन ऑफ थीटा कॉस का भी नेगेटिव साइन ठीक है तो फाइंड आउट क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स तो डी वाई बाय डी थीटा डिवाइड में डी एक्स बाय डी थीटा तो वाई की वैल्यू हमारे पास वाई का डेरिवेटिव नेगेटिव बी साइन थीटा और यहाँ नेगेटिव है साइन थीटा नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल साइन साइन कैंसिल तो हमारे पास क्या बचा बी पौने तो ये है हमारे पास आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड का ठीक है तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास एक्स इक्वल टू साइन टी और वाई इज इक्वल टू कॉस टू टी ठीक है तो इसका पैरिमीट्रिक फंक्शन क्या है t तो अब हम कह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी तो so, सबसे पहले डी एक्स बाय डी टी तो साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस टी ठीक है फिर वाई का कॉस टू टू टी का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा नेगेटिव साइन टू टी और टू टी का डेरिवेटिव टू ठीक है यानी हमारे पास क्या आ गया नेगेटिव टू साइन ऑफ टू टी ठीक है अब हमने क्या करना है डी वाई बाय डी एक्स तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या होगा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी तो डी वाई बाई डी टी या नगेटिव टू साइन ऑफ टू टी और डी एक्स बाई डी टी हमारे पास क्या है कॉस ऑफ टी अब हमारे पास देखो साइन टू टी की क्या आइडेंटिटी है जो हमने प्लस वन में पढ़ी है टू साइन टी कॉस ऑफ टी ठीक है जानी साइन टू एक्स की टू साइन एक्स कॉस एक्स अब हम यहाँ अप्लाई कर देंगे यहाँ भी आप छोड़ सकते हो आंसर ठीक है तो इसकी आइडेंटिटी है टू साइन टी कॉस ऑफ टी कॉस कॉस कैंसिल तो हमारे पास क्या आ गया नेगेटिव फोर साइन ऑफ टी फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्ड का ठीक है तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर क्वेश्चन नंबर फोर इसमें भी पैरिमेट्रिक फंक्शन टी है एक्स की वैल्यू दी हुई है फोर टी और वाई की वैल्यू दी हुई है फोर बाई टी तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी तो सबसे पहले डी एक्स बाय डी टी तो टी का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा वन तो इसका क्या आ गया, गया फोर फिर डी वाई बाय डी टी अब देखो वन बाय टी का डेरिवेटिव क्या होता है वन बाय टी है ठीक है तो इसे हम क्या करेंगे टी की पावर नेगेटिव वन तो नेगेटिव आ जाएगा टी की पावर नेगेटिव टू तो नेगेटिव वन बाय टी स्केयर तो आपने वन बाय टी का डायरेक्ट डेरिवेटिव याद रखना नेगेटिव वन बाय टी स्केयर तो यहाँ डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा फोर है तो नेगेटिव फोर बाय टी स्केयर ठीक है तो हमने फाइंड आउट क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाय डी टी तो नेगेटिव फोर बाय टी स्केयर फोर ठीक है डी एक्स बाई डी टी फोर ये फोर के साथ हमारे पास फोर कैंसल तो हमारे पास क्या आएगा नेगेटिव वन बाय टी स्केयर आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर हमारे पास क्या है नगेटिव वन बाय टी स्केयर तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारे पास x इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस टू थीटा और y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा अब इसका भी डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो डी एक्स बाई डी थीटा कॉस का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन थीटा और कॉस का नेगेटिव साइन ऑफ टू थीटा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और टू थीटा का टू तो डी एक्स बाय डी थीटा हमारे पास क्या आ गया नेगेटिव साइन टू थीटा और टू को आगे लिख लेते हैं टू साइन ऑफ टू थीटा और इसे सही ने पॉजिटिव को आगे लिख लेते हैं वैल्यू को टू साइन ऑफ टू थीटा और नेगेटिव साइन थीटा इसी तरह वाई का करेंगे डी वाई बाई डी थीटा साइन का कॉज थीटा और साइन का कॉस टू थीटा इंटू टू तो डी वाई बाई डी थीटा आ गया हमारे पास कॉस थीटा नेगेटिव टू कॉस ऑफ टू थीटा ठीक है हमने फाइंड आउट क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स तो डी वाई बाई डी एक्स तो हमारे पास क्या होगा डी वाई बाय डी थीटा डी एक्स बाय डी थीटा तो ये आ गया हमारे पास कॉस ऑफ थीटा माइनस टू कॉस ऑफ टू थीटा डिवाइड में टू साइन थीटा टू थीटा और माइनस साइन ऑफ थीटा ठीक है तो यही है आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पर क्वेश्चन नंबर सिक्स एक्स इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा और वाई इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा ठीक है तो पहले डी एक्स बाय डी थीटा थीटा का डेरिवेटिव वन साइन का कॉस ऑफ थीटा फिर डी वाई बाई डी थीटा ए वन का जीरो और कॉस थीटा का नेगेटिव साइन थीटा फाइंड आउट क्या करना हमने डी वाई बाई डी एक्स तो ये क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाय डी थीटा तो डी वाई बाई डी थीटा नेगेटिव ए साइन थीटा और ए वन माइनस कॉस ऑफ थीटा आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो एक के साथ ही कैंसिल करके लेकिन कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आप अप्लाई कर सकते हो जैसे हमारे पास साइन टू थीटा की आइडेंटिटी है टू साइन थीटा कॉस थीटा और फिर साइन थीटा की आइडेंटिटी क्या होगी टू साइन थीटा बाय टू और कॉस थीटा बाय टू इसी तरह वन माइनस कॉस है तो वन माइनस कॉस टू थीटा की आइडेंटिटी टू साइन थीटा और अगर सिंगल एंगल हो वन माइनस कॉस थीटा का टू साइन केयर थीटा बाय टू ठीक है तो यही अप्लाई करते हैं हम साइन थीटा की हमारे पास क्या हो जाएगी टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू और वन माइनस कॉस की टू साइन स्केयर थीटा बाय टू स्केयर के साथ साइन कैंसिल टू के साथ टू कैंसिल तो कॉस बाय साइन हमारे पास क्या हो गया कॉट थीटा बाय टू तो ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्स का ठीक है तो हमारे आज यहाँ सिक्स क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स